इस संसार के अंदर बिल्कुल सत्य है। आपने देखा होगा जो जन्म है वो भी सत्य है, मृत्यु है वो भी सत्य है, लेकिन और जीवन और मृत्यु के बीच का जो सफर है, जो जीवन और मृत्यु के बीच की जो गति है, जीवन और मृत्यु के बीच की जो चाल है, हमें उसमें ही सब कुछ इकट्ठा करना है, हमें उसमें ही पाना है, उसमें ही खोना है, वहीं समर्पण करना है, वहीं से पहुँचना है। कुछ पल का समय है आपके पास प्रेम के लिए भी, ईर्ष्या के लिए भी, संसार के लिए भी, हरि के लिए भी। चुनाव आप लोगों का होगा हमें किस मार्ग पर चलना है, चुनाव आप लोगों का होगा कैसे हमें पहुंचना है, चुनाव हमें करना है कि किस रास्ते पर जा करके कहां पहुंचना है। वो परमात्मा तो बस आप जिस रास्ते के ऊपर चलोगे उसने बिल्कुल खोल दिया, सब कुछ एक एक चीज खोल करके बोल दी। कर्म का अधिकार आप लोगों का है, भजन का अधिकार आप लोगों का है, सुमरण का अधिकार आप लोगों का है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं मेरे से सुमरण नहीं होगा, और ही कोई सुमरण कर देगा, नहीं करेगा कोई भी सुमरण। बस इतना है, अगर आप एक कदम चलोगे तो परमात्मा 10 कदम चल करके आ जाएगा, अगर आप एक कदम भी नहीं चलोगे वो नहीं आएगा। इतना आसान नहीं है वहाँ तक पहुँचना, वहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल काम है। वर्षों लग जाते हैं, उम्रें गुजर जाती हैं, सदियाँ गुजर जाती हैं, जन्म जन्मांतर लग जाते हैं, लेकिन जब आप चलोगे ही नहीं तो कभी नहीं पहुँचोगे। कितने लाखों करोड़ों वर्ष हो चुके हैं, अरबों व खरबों वर्ष हो चुके हैं, कितनी पृथ्वियाँ पैदा हो गई, कितनी पृथ्वियाँ खत्म हो गई, कितना समय हो गया, अनंत अनंत सब कुछ होता चला गया, क्या हासिल हुआ, क्या पाया आप लोगों ने, फिर आकर के उसी चक्कर में आकर के खड़े हो गए। आज भी क्या प्राप्त कर लिया आप लोगों ने, कितना प्राप्त कर लिया, नहीं प्राप्त किया, वैसे ही सब कुछ चल रहा है।